पोको एक रीब्रांडेड ब्रांड, मतलब बहुत सारे रीब्रांडेड फोन जो है वो इस ब्रांड ने लॉन्च किए, लेकिन उन्होंने कुछ यूनिक फोन भी लॉन्च किए, जैसे पोको F1, ये मार्केट में सबसे ज्यादा हिट था। साथ ही साथ उन्होंने अभी लॉन्च किया पोको X3, ये भी बहुत ही बढ़िया फोन है। तो आज इसी फोन के बारे में बात करने वाले। अंडर 20,000 ये फोन आपको मिलता है, बेस वेरिएंट अंडर 17,000 मिलता है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस फोन में आपको अंडर 70,000 क्या क्या मिलता है पहले ये देख लेते हैं, और इसके कंपैरिजन में कौन से फोन आप ले सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहे अंत तक। सबसे पहले पोको X3 की बात करते हैं। इस फोन में आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ये जो डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, साथ ही साथ वाइड वन L1 का सपोर्ट आता है और HDR10 का भी सपोर्ट आता है। और साथ ही साथ इस फोन में मिलती है आपको 6000mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट, जो कि आपको पूरा दिन जो है वो आराम से चली जाएगी। 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, मतलब इन द बॉक्स आपको 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। और इस फोन में आपको मिलता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, और सेल्फी सेंसर जो है वो 20MP का मिलता है। और साथ ही साथ ये सारा मैनेज करने के लिए आपको इस फोन में दिखता है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर, जो कि Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर है, 15% फास्टर है, मतलब प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ इस फोन में आपको और जो एडिशनल फीचर्स है वो मिलते हैं, जैसे कि इस फोन में हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको इस फोन में स्टेटस LED देखने को मिलता है और IP53 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग देखने को मिलती है, मतलब वाटर डैमेज जो है वो शायद ये फोन नहीं होगा, और माइक्रो XD कार्ड का सपोर्ट भी मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ 17,000 में मिलती है, मतलब ये जो है अंडर 70,000 बहुत ही बढ़िया फ़ोन हो सकता था, ये वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फोन में कुछ कमियां भी है। तो अब बात करते हैं इस फोन में कुछ कमियां उनके बारे में। सबसे पहले तो इस फोन की डिज़ाइन, पीछे पोको की बहुत बड़ी ब्रांडिंग दिखती है, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी फ़ोन लेके घूमेंगे तो ऐसा लगेगा आप पोको की ऐड कर रहे हैं। दूसरा कैमरास के बारे में, इस फोन में क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन 64MP का एक सेंसर और 13MP का दूसरा सेंसर, यही दो सेंसर जो है वो काम के है, बाकी दो सेंसर किसी काम के नहीं है। साथ ही साथ इस फोन में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से लो लाइट फोटोग्राफी जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होगी आपके इस फोन में। और साथ ही साथ ये फोन जो है ये MIUI 12 पे आता है, ये एक रिफ्रेश सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस फोन में आपको ब्लोटवेयर जरूर देखने को मिलेंगे। पोको की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि इस फोन में आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लोटवेयर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ इस फोन में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IPS LCD डिस्प्ले, इसकी वजह से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये थोड़ी सी इस फोन में कमियां लग रही है। अब बात करते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे आने वाले Realme 7 Pro के बारे में, मतलब अंडर 20,000 ये दोनों फोन्स मिलते हैं। तो Realme 7 Pro में आपको एक AMOLED पैनल देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर रिफ्रेश रेट जो है वो 60Hz का देखने को मिलता है, और उस फोन में आपको प्रोसेसर भी जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, मतलब Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर, ये बहुत पुराना प्रोसेसर उस फोन में देखने को मिलता है आपको। लेकिन उस फोन में 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, 65W के फास्ट चार्जिंग और 4500mAh के बैटरी बैकअप, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा मैच नहीं हुआ। 4500mAh के बैटरी बैकअप, सुबह आप फोन को चार्ज करते हैं तो आप चार्जर तो लेके नहीं घूमेंगे दिन भर साथ में, तो कम से कम 5000mAh के बैटरी बैकअप रहनी चाहिए थी आज की तारीख में, क्योंकि ये जो है ये आपको पूरा दिन चली जाए, मतलब ये ऐसा होगा कि शाम को आप ऑफिस से आते हैं तो आपको फ़ोन को चार्ज पे लगाना पड़ेगा। लेकिन वही आप पोको X3 को लेते हैं तो इसमें 6000mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट होने की वजह से शायद ही आपको ये फ़ोन जो है ये शाम को चार्जिंग पे लगाना पड़े, मतलब इस फोन को आप एक दिन से भी ज़्यादा चला सकते हैं। तो आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप गेमिंग करते हैं, मतलब आपको फ़ोन में परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो आप पोको X3 की तरफ देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको 120Hz वाला पैनल और साथ ही साथ प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया होने की वजह से ये जो फ़ोन है ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से देखते हैं, प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले जो है वो रिफ्रेश रेट अच्छा है, कैमरा सेटअप जो है दो कैमरा बहुत ही बढ़िया है, और साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, तो आप पोको X3 की तरफ देख सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपको AMOLED डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप Realme 7 Pro की तरफ देख सकते हैं।
अगर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए, 6000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ कैमरा सेटअप और डिस्प्ले जो है वो एमोलेड चाहिए, तो आप सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M31s देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रोसेसर जो है वो आपको एवरेज प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए और बाकी सारे फीचर जो है वो भी बहुत ही बढ़िया चाहिए, तो आप पोको X3 की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है इस फ़ोन की, अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन जो है वो लेना पसंद करेंगे।